म्यूज़ियम जो कोलोसियम के नाम से मशहूर है, जो आज से 1.5 सदी पहले बनाया गया था, जिसकी तमीर और बनावट इस तरह बनाई गई है कि आज की एक हिस्ट्री बुक में इसका रिकॉर्ड है, जिसकी अचीवमेंट आप बयान भी नहीं कर सकते। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। आज से तकरीबन 1900 साल पहले रोम सिटी के सेंटर में एक बहुत बड़ी आग लगी थी, जिसे द ग्रेट फायर ऑफ रोम कहा जाता था। यह आग कितनी खतरनाक थी, इसमें 1000 से ज़्यादा लोग बेघर हुए थे और 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे, जिस वजह से यहाँ के एक नीरो क्लॉडियस, उस टाइम के रोमन एम्पायर हुआ करते थे, उन्होंने ये जगह देखी तो ये मालूम है ये पब्लिक के लिए यूज़ में नहीं है, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बना ली इसे। कई लोगों का ये मानना था कि ये आग इस नीरो क्लॉडियस ने लगाई थी ये जगह पे कब्जा करने के लिए, और इस जगह पे बहुत से बागात लेक्स बनाए और इस जगह में बहुत सी इंटरेस्ट बनाई। तो इंटरेस्ट में एक स्टैचू बनाया जिसको क्लोजस, ये नाम याद रखें, क्लोजस ये हमारी स्टोरी का सबसे अहम जरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सालों बाद नीरो क्लॉडियस की मौत की खबर सुनते ही इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसका स्टैचू यहाँ पे अभी मौजूद है। क्लोजस की मौत के बाद यहाँ पे उस टाइम राज कर रहे थे वेस्पेसियन, ये फ्लेमन डायनेस्टी के रोमन एम्पायर थे। वेस्पेसियन ने सोचा कि इस जगह को किस तरह यूज़ किया जाए कि लोगों का ध्यान यहाँ की तरफ हो। काफ़ी देर सोचने के बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि यहाँ पे एक बड़ा सा एम्पी थिएटर तमीर किया जाए, जो कि रोम सिटी के सेंटर में होगा और लोग इसकी तरफ इंटरेक्ट होंगे और इसका से लुत्फ़ रहेंगे। और इसकी तमीर 380 रोम में तमीर की गई और इस पर एक मूवी बनाई गई जिसका नाम फेमस ग्लैडिएटर के नाम से मशहूर है, हॉलीवुड की सुपर हिट मूवी है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, हिस्टोरिकल आप देख सकते हैं, काफ़ी सुपर हिट ऑस्कर अवार्ड मूवी है। इस एम्पी थिएटर की तमीर 70 या 72 में एडी में तैयार की गई और इसकी तमीर के लिए बहुत से इसराइल के जर्नलिज्म से मजदूर मंगवाए गए और रोमन के सबसे बड़े इंजीनियर यहाँ से मंगवाए गए, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा रिकॉर्ड कोई भी नहीं है कि इसका आर्किटेक्ट कौन था। 79 AD में वेस्पेसियन की डेथ हो जाती है, तो इस वजह से म्यूजियम का 3rd फ्लोर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बाकी काम रह जाता है। डेथ के बाद इनके बेटे इंपीरियल टाइट्स के हाथ के काम सौंप दिया जाता है, जो ये काम मुकम्मल कर लेते हैं, और 10 साल के बाद इस म्यूजियम की तमीर मुकम्मल हो जाती है। क्लोजस बताया था इसका स्टैचू इस इमारत के बिल्कुल पास ही लगा दिया जाता है। क्लोजस जो वर्ल्ड है वो लैटिन वर्ल्ड के नाम से मशहूर है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा बड़ा, जिसे इसका नाम क्लोजियम रखा गया। क्लोजियम फेमस है ग्लैडिएटर गेम के नाम से मशहूर से, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को आपस में आर्मर के साथ तैयार किया जाता था और इनको आपस में लड़ाया जाता था जब तक के सामने वाला खूना खून ना हो जाए। क्लोजियम इतना बड़ा था कि इसमें एक टाइम में 50,000 से ज़्यादा लोग बैठ सकते थे और ये गेम इंजॉय करते थे। उस टाइम में ना फुटबॉल होते थे ना क्रिकेट, और ये लोग इसी गेम को एंजॉय करते थे और लुत्फ़अंदोज़ होते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस टाइम में कोई टिकट वगैरह नहीं होती थी, तो इसी वजह से एक फ्लोर वगैरह बनाया गया यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे लोग बैठे नज़र आ रहे हैं, इस तरह एक फ्लोर बनाया गया था। सबसे नीचे वाले फ्लोर को आइमा कैवा के नाम से मशहूर है, जैसे इंपीरियर यहाँ पर बैठते थे, और 2nd फ्लोर था उसमें वो मशहूर थे जहाँ अमीर लोग पढ़ते थे, वो मेरे एम्पेरियम के नाम से है। और जो 3rd फ्लोर है वो मशहूर होता था स्कैबियम एमियम के नाम से, जिसे यहाँ पे सिविलियन लोग बैठते थे। और लास्ट वन जो था सबसे ऊंचा जो था वो लेगिंस के नाम से मशहूर था, जहाँ मतलब मजदूर वगैरह स्लेव्स वगैरह यहाँ पे बैठते थे।
को धूप से बचाने के लिए शेड लगाएंगे ऊपर, और इसके बाद 36 ट्रैप फ्लोर बनाए गए जहाँ पे जानवरों और इंसानों को रखा जाता था, और नीचे बहुत सारे एलिवेटर बनाए गए थे जानवरों और स्लेव्स को ऊपर लेके जाने के लिए। 81 एडी में टाइटंस ने इंपीरियम की ओपनिंग की खुशी में 100 इन्वेल गेम्स मुतारफ़ करवाए, जिसमें डे बाई डे मधुर जानवरों को इस्तेमाल किया जाता था। तो इसमें ज़्यादातर हाइनस हो गए, हाइनस शेर लाइन वगैरह और क्रोकोडाइल इस्तेमाल किए जाते थे। इस गेम में तो लोग तो लुत्फानंदोज होते थे, लेकिन सबसे नुकसान स्लेव्स को था, क्योंकि इसमें लड़ाई में 100 लोग इस्तेमाल होते थे जिसमें से सिर्फ 2 बचते थे। यही नहीं, उस टाइम के डीएस क्वेसियस ने ये मालूम किया कि उस टाइम के ये इस ग्लेडिएटर गेम में तकरीबन 9000 जानवरों को मारा गया था। यानी आठ की सेंचुरी में ये एक सबसे बड़ा फेमस म्यूजियम के नाम से मशहूर है, जहाँ तकरीबन 4 मिलियन से ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया गया, जो आज तक हिस्ट्री का सबसे हिस्टोरिकल एक स्ट्रक्चर है। और जुड़े रहें चैनल के साथ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।